अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करनी है, उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स करनी है कि इसके मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट कौन करता है, और उसके बाद फिर जो मेंबर हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है मेंबर्स की, उसके बाद फिर इसके फंक्शंस क्या हैं, और लास्ट में फिर इसको हमने जो है वो कंक्लूड करना है। इसके अलावा जो है वो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको लेक्चर या नोट्स वगैरह वीडियोस चाहिए तो आपने प्लेलिस्ट में चले जाना है, यहाँ से आपको इजी मिल जाएगा। तो अभी चलें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। The Constitution of 1973 is regarded as an Islamic Constitution because Islam is state religion of the country. जो 1973 का कानून है ये इस्लामी कानून है because state जो है रियासत में इस्लामी कानून है, और इसी कानून के तहत कुछ steps ऐसे लेने पड़ेंगे to enable the Muslims to order their life in accordance with Islam. और पाकिस्तान के 1973 का जो कानून है मुसलमानों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है आर्टिकल 2-7 से 227 से 231 तक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट ये है कि मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ये ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके जो मेंबर हैं ये इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन या विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क का वजीर आजम है उससे मशवरा करके सदर जो है वो इनको अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, इन ये जो मेंबर्स हैं अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो है हैव नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ इस्लाम। पहली शर्त जो है वो ये है। दूसरी शर्त ये है कि हैव नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ एंड फिका, इस्लामिक लॉ जो है और फिका इसका नॉलेज होना चाहिए। सी पे ये हैव नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और हैव नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इनको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा लास्ट है हैव नॉलेज ऑफ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पाकिस्तान, इनको जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इनके जो फंक्शंस हैं वो क्या है। सो फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इस्लामिक काउंसिल आइडियोलॉजी। एडवाइजरी फंक्शन, पहला फंक्शन जो है इनका एडवाइजरी फंक्शन है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी शैल गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, पार्लियामेंट करेगी और प्रोविजनल असेंबली को करेगी अबाउट द बिल्स, बिल्स के बारे में वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद आर इन कंसेंसेट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ये जो है बिल के बारे में एडवाइस करेगी, पार्लियामेंट को भी कर सकती है, प्रेसिडेंट को भी कर सकती है या प्रोविजनल असेंबली को भी कर सकती है कि ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है या नहीं, या और कोई भी प्रॉब्लम हो इनके बारे में ये कंसल्टेशन कर सकते हैं। सेकंड पे इनका जो फंक्शन है वो है रिसर्च फंक्शन। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी मेक्स रिसर्च ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, ये रिसर्च करते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान। रिपोर्टिंग फंक्शन, थर्ड फंक्शन जो है इनका है वो है रिपोर्टिंग फंक्शन। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी प्रिपेयर्स इट्स रिपोर्ट्स ऑन द रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंट्स टू द पार्लियामेंट, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर्स करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंट्स, फिर इसको पेश करते हैं पार्लियामेंट में। फोर फंक्शन जो है इनका गाइडेंस है। इस्लामिक काउंसिल, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल शैल प्रोवाइड इट्स गाइडेंस इन द गवर्नमेंट एंड टू द पार्लियामेंट एज हाउ द लाइफ ऑफ पीपल कुड बी इस्लामाइज्ड। ये गाइडेंस वाला फंक्शन जो है इसमें ये है कि ये पार्लियामेंट को या फिर गवर्नमेंट को गाइडेंस करेगी कि जो पीपल हैं, सिटीजन्स हैं या फिर जो
मुल्क के स्टेट मुल्क के बाशिंदे हैं उनकी जो लाइफ है, हाउ द लाइफ ऑफ पीपल कुड बी इस्लामाइज, कैसे वो इस्लामाइज जो है वो हो सकती है। इसका जो कंक्लूड है, टू कंक्लूड आई कैन से दैट इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, ये जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल होती है ये कंसिस्ट होती है, मुश्तमिल होती है ऑफ ए चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है इसमें, एंड अदर मेंबर्स, और अदर बाकी मेंबर्स होते हैं हु आर अपॉइंटेड, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट की तरफ से फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ये जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल होती है इसमें एक चेयरमैन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है, फिर कुछ अदर मेंबर्स होते हैं और जो कि अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान 3 साल के लिए, ये इनका जो टर्म है वो है 3 ईयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी, अल्लाह हाफिज़।